हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो जैसे शुरुआत करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की, जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिखा, ठीक है, और एक 2 मैंने ये लिखा 2.0000 इस तरीके से, ठीक है। क्या इन दोनों के अंदर कोई डिफरेंस है? अगर इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है तो इन जीरोज को यहाँ से गायब कर देते हैं, मतलब ये लीजिए इस तरीके से इनको हमने यहाँ पर गायब कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अगर जैसे हमारे पास में जैसे ये कोई नंबर है इस तरीके से, इसके भी ये 2 जीरो हैं, जैसे हमारे पास में कोई नंबर प्लेट है इस तरीके से, ऐसे कोई गाड़ी का नंबर है इस तरीके से, ये लिख दिया हमने। अब अगर इन जीरोज को भी हम लोग यहाँ से हटा दें और इनको भी हटा दें यहाँ से, देखिए आप, इनको भी हटा दिया और इनको भी हटा दिया, तो हमें देखने को मिलता है कि कुछ जगह पे जो जीरोज हैं उनको अगर हम गायब कर देते हैं तो पूरी डिजिट का जो मीनिंग है वही चेंज हो रहा है, और कुछ जगह इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, मतलब यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, और यहाँ पे इनका जीरो हटाने के बाद में इन नंबर्स का मीनिंग ही चेंज हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो कहीं पे कोई डिजिट सिग्निफिकेंट होती है और कहीं पे कोई डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं होती है। जहाँ जैसे यहाँ पे कुछ जीरो लगाए थे हमने, उसमें हमने इन की खर्च की, बाकी इन जीरोज का तो कोई मतलब यहाँ पे निकल ही नहीं रहा था। निकल रहा था क्या कोई मतलब? नहीं निकल रहा था, कोई भी मतलब यहाँ पे इसका नहीं निकल रहा था। तो और इस जगह पे जो जीरो लगाए थे हमने, उन जीरोज को अगर हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो उसका इस डिजिट का मीनिंग बदल गया। यहाँ पे जो जीरो लगा रखे थे इनका, अगर इनको अगर यहाँ से गायब कर देते हैं तो इसका भी मीनिंग बदल गया। तो मतलब सिग्निफिकेंट जो फिगर हैं उनको कहीं पे तो वो मतलब सिग्निफिकेंट होते हैं कुछ फिगर्स, और कहीं पे फिगर सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। कौन से फिगर कहाँ पे कब और क्यों और कैसे सिग्निफिकेंट होते हैं, आज इसी लेक्चर में हम ये बात करने वाले हैं। और उस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ टर्म्स की बात करेंगे, कुछ सिंपल सी टर्म्स हैं, कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं उनकी बात करेंगे, और उनसे हम इस सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में नॉलेज लेंगे। नंबर एक टर्म है सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट ये है नंबर एक टर्म सिग्निफिकेंट, और इसका मतलब होता है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण है ये, इसका मतलब ये हुआ। जैसे अगर इसको समझना है तो आपको पता है कि आपका जो फर्स्ट लेसन है फिजिकल वर्ल्ड, वैसे तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन एग्जाम के लिए अगर देखा जाए तो उसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम्स में बहुत ही कम पूछे जाते हैं, तो वो कम सिग्निफिकेंट है, मतलब उसका इम्पोर्टेंस जो है वो कम है, ये एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ सर्टेन की, एक और है हमारे पास में टर्म सर्टेन, सर्टेन, ठीक है, ये सर्टेन है। इस सर्टेन को देखिए आप, श्योर, और इसको बोल सकते हैं रिलायबल, ठीक है, और बोल सकते हैं क्लियर, दैट मीन्स क्या बोलेंगे, जैसे निश्चित या पक्का, निश्चित या पक्का। इसको समझने के लिए जैसे मैं आपको बोलूं कि आज का जो वीडियो है ये आप लोगों को समझ में आएगा, इसके लिए मैं सर्टेन हूँ, मैं श्योर हूँ, मैं सर्टेन हूँ, तो ये इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। नंबर थर्ड, थर्ड नंबर में आता है अनसर्टेन, अनसर्टेन ये भी एक टर्म है। अनसर्टेन का मतलब जो है वो होता है आपके लिए अनश्योर, अनश्योर, अनरिलायबल, अनरिलायबल, ठीक है, और डाउटफुल, डाउटफुल ये होता है। और इसको हम लोग वैसे अगर दिखाएं तो अनसर्टेन का मतलब है कैसे समझे इसको, जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, आज बारिश होगी कि नहीं होगी हमें पता नहीं है, इसका मतलब हम अनसर्टेन हैं उस चीज के लिए, हम नहीं ये चीज क्लियर कर सकते कि बारिश होगी या नहीं होगी, ये अनसर्टेनिटी है हमारे लिए। फिर नंबर फोर्थ टर्म जो है, फोर्थ टर्म, उसको हम ले सकते हैं लीडिंग जीरो, लीडिंग जीरो, ये लीडिंग जीरो क्या होते हैं, जैसे कोई हमारे पास में डिजिट है 0002003 ऐसे कोई डिजिट है हमारे पास में,
तो जो आगे वाले जो जीरो होते हैं, जो लीडर की तरह आगे चलते हैं, उनको हम बोलते हैं लीडिंग जीरो। क्या बोल सकते हैं? लीडर की तरह आगे हो, उसको हम क्या बोलेंगे? लीडिंग जीरो। ये सब क्या हैं? लीडिंग जीरो हैं, ठीक है, ये लीडिंग जीरोज हैं। फिर नंबर 5 जो टर्म है उसको ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग जीरो, ठीक है। ट्रेलिंग जीरो का मतलब ये पीछे वाले जीरो, जो पीछे रह जाए, क्या रह जाए? पीछे रह जाए, उनको बोलेंगे हम ट्रेलिंग जीरो, पीछे रह जाए, ठीक है। ये ट्रेलिंग जीरोज हैं, ये पीछे रह गए हैं। जैसे कोई प्लेन है आपका, आपने देखा होगा प्लेन जो होती है, ऐसे मान लीजिए आपकी प्लेन है, इस तरीके से प्लेन है, ठीक है, और जब ये प्लेन उड़ती है तो पीछे से देख लो थोड़ा धुआं धुआं सा छोड़ती है, ये इसकी ट्रेलिंग है। इस तरीके से पीछे रहने वाले जीरोज की बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये चीज़ हो गई आपकी। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो डिस्कशन का जो पार्ट है इसमें, उसमें मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि एवरी मेजरमेंट इन्वॉल्व्ड एरर। देखो, एवरी मेजरमेंट इन्वॉल्व्ड एरर, इन्वॉल्व्ड एरर, एवरी मेजरमेंट इन्वॉल्व्ड एरर, इसकी बात करने वाले हैं हम लोग। तो इसमें क्या होगा, देखिए मैं बताता हूं आपको। किसी भी मेजरमेंट को जब हम करते हैं तो उसके अंदर हमेशा हमें कोई ना कोई एरर जरूर मिलता है, चाहे मेजरमेंट को हम कितनी भी प्रिसाइज वैल्यू तक लेके जाएं, लेकिन उसमें एरर तो आएगा ही। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ें एग्जैक्ट भी होती हैं जिनमें एरर नहीं होता है, जिनको हम किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेज़र नहीं करते हैं, उनको उनमें एरर नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक वीक मतलब एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है, हमें पता है कि एक सप्ताह में 6.999 ऐसे कोई डेज नहीं होंगे, या फिर 6.001 डेज ऐसे भी नहीं होंगे, आपको पता है इस चीज़ का। तो ये एक एग्जैक्ट वैल्यू है, इसके अंदर कभी भी एरर नहीं होगा। जैसे कोई भी हमारे पास में कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, या कोई भी हमने किसी भी दुकान से कोई चीज़ खरीदी है, उसके ऊपर उसकी रेट 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ लिखा हुआ है उसके ऊपर, तो वो 100 रुपीज़ उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। ये एक अलग बात है कि हम बार्गेनिंग के थ्रू 2-5 रुपए कम ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, उसमें कोई एरर नहीं है हमारे लिए। जैसे और भी एग्जांपल मैं बताऊं एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, जैसे कोई कैंडिडेट है वो दिन में 3 बार नहाया है या 4 बार नहाया है, तो 3 बार या 4 बार नहाया है वो, तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि वो 3 बार नहाया है तो 3 बार ही नहाया है, वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि वो 2.5 टाइम्स उसने मतलब वो नहाया है, या 3.01 टाइम्स वो नहाया है, या फिर 2.89 टाइम्स वो नहाया है, ऐसे नहीं बोल सकते हम लोग। वो नहाया है तो वो 3 बार ही नहाया है, अब वो क्यों नहाया है वो तो वो जाने, उसका हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो 3 टाइम्स के लिए ही एक एग्जैक्ट वैल्यू को डिनोट करता है, ये चीज़ हम समझ सकते हैं। बट मेजरमेंट जो होता है उस मेजरमेंट में तो एरर आनी ही आनी है, ये 100% है, चाहे हम लोग कितना भी उसको प्रिसाइज करते जाएं, लेकिन उसके अंदर एरर तो आएगा ही। इस चीज़ को समझते हैं कैसे, एक एग्जांपल के तौर पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक पेन की लेंथ का या इस मार्कर की लेंथ का। जैसे इस मार्कर की लेंथ की बात करते हैं अपन, तो इस मार्कर की लेंथ को अगर मैं देखूं यहाँ पे, हो सकता है आपको इसकी रीडिंग दिखाई नहीं दे रही हो, ये मेरे पास में स्केल है, तो इस मार्कर की लेंथ को मैं यहाँ से देखूं, तो मेरे पास में जो इसकी लेंथ है वो आ रही है, सपोज कीजिए 12.2 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ और मेरे पास में जो रीडिंग आ रही है, जैसे मैंने ये स्केल का डायग्राम बनाया, ये मेरे पास में स्केल है इस तरीके से, और यहाँ से ये मेरे पास में मार्कर है आपका, ऐसे मार्कर है, इसकी हम मेजरमेंट कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे, और ये जो पॉइंट है
ये दो पॉइंट है मेरे पास में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस है उसको हमें देखना है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है मेरा 12 और ये पॉइंट है मेरा 13, ठीक है। अब ये केस में इसकी जो लेंथ हमें दिखाई दे रही है वो 12 से थोड़ा सा ऊपर है, कितना है, 12 से थोड़ा सा ऊपर नजर आ रही है, ठीक है। अब हम इसको और थोड़ा प्रीसाइज करने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा और प्रीसाइज करने के लिए हम लोग इसको थोड़ा और जूम करके देखते हैं। अगर इस केस में देखें तो हमारे पास में जो इसके प्रीसीजन हैं, जो छोटे छोटे आपके ग्रेजुएशंस बने हुए हैं, उसके बेस पे इसकी लेंथ हमें मिल रही है 12.2 सेंटीमीटर। हम इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे क्योंकि स्केल हमारी किस में है, सेंटीमीटर में है। अब इसको थोड़ा जूम किया हमने, जूम किया तो हमारे पास में इस तरीके से रीडिंग आई। इसको थोड़ा जूम करके देखा, लेंस वगैरह से बड़ा करके देखा तो हमारे पास में रीडिंग आई जैसे ये 12.2 है, ठीक है, इस तरीके से। और ये है मेरे पास में यहाँ पे 12.3, इस तरीके से मेरे पास में जूम करने के बाद में। और ये है मेरा मार्कर जिसकी लेंथ मेरे पास में आ रही है, इस तरीके से हमने इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और यहाँ से ये हमारी लेंथ आ रही है। यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, अब अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे तो इस रीडिंग को ये 12 से थोड़ी ज़्यादा, 12.2 से थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है मेरे पास में। तो मैं, कुछ लोग इस चीज़ को इस तरीके से डिफाइन कर दें 12.22 या 12.23 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर, इस तरीके से वो डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर इसको देखा जाए सही मायने में, इस पेन की लेंथ को अगर समझना है हमें, सही मायने में समझना है, तो जो स्केल है हमारे पास में, जैसे ये स्केल है, इस स्केल में जो हमारा मेजरमेंट है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और एक सेंटीमीटर से दूसरे सेंटीमीटर के बीच में, मतलब एक डिजिट से दूसरी डिजिट के बीच में, उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसका जो लीस्ट काउंट होगा, लीस्ट काउंट मतलब मिनिमम से मिनिमम कितना मेजरमेंट कर सकती है स्केल, उसको बोलते हैं हम लोग लीस्ट काउंट। जो होगा इसका लीस्ट काउंट वो होगा 0.1 सेंटीमीटर, कितना होगा, 0.1 सेंटीमीटर। तो जो 0.1 सेंटीमीटर की जो मिनिमम से मिनिमम रीडिंग हम इस स्केल से ले सकते हैं, उसी के थ्रू हम इसकी मेजरमेंट को यहाँ पे दिखा सकते हैं। लीस्ट काउंट के अलावा अगर हम कोई भी डिजिट इसमें ऐड करते हैं, जैसे ये 2 कर दिया या ये 3 कर दिया, यहाँ पे अपनी मर्जी से हमने लगा दिया यहाँ पे, इसको एक्स्ट्रा प्रिसीजन देने के लिए अपने माइंड से ही हमने मन मर्जी से मान लिया कि यहाँ पे इतना हो सकता है, ये मेथड हमारा गलत होगा, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली अगर हम देखें तो हो सकता है ये पेन, ये जो मार्कर है, ये इतना हो, मान लीजिए इस केस में हमारे पास वैल्यू इतनी आ रही है, मतलब 12 से थोड़ी कम आ रही है अब की बार, तो हो सकता है आपकी वैल्यू 12.2 हो, या हो सकता है आपकी वैल्यू जो है वो इससे थोड़ी कम आ जाए, 12 से भी नीचे आ जाए, 11.9 के अप्रोक्सीमेट आ जाए, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है इसके अंदर। लेकिन इसकी जो लीस्ट काउंट है उसके अकॉर्डिंग ही हम इस वैल्यू की रिपोर्ट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो वो गलत माना जाएगा, वो प्रीसीजन जो है वो बिल्कुल भी हमारे इस स्केल के स्केल जो है वो रिपोर्ट उसकी नहीं कर रही है, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं, ये वाली चीज आ गई। अब अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि हमारी जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली कितनी आ रही है, 12 आ रही है, जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए कि 12.2 भी नहीं आ रही है और 11.9 भी नहीं आ रही है, एग्जैक्टली 12 आ रही है, तो उस केस में हमने इसको और जूम करके देखा, बड़ा जूम करके देखा इस तरीके से, तो बड़ा जूम करेंगे तो हमारे पास में इस तरीके से माइनर सा जो छोटा सा जो लाइन बनी हुई है स्केल के ऊपर, जिसको हम ग्रेजुएशन बोलते हैं, वो इतनी बड़ी दिखाई देने लग जाएगी हमें, ये लीजिए ऐसी मोटी सी लाइन दिखाई देने लग जाएगी इस तरीके से, ठीक है, ऐसी मोटी सी लाइन हमें यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगी, ऐसे दिखाई देने लग जाएगी, ठीक। और इस लाइन को हम, ये रीडिंग है आपकी 12 सेंटीमीटर, और आपका जो मार्कर है उसकी लेंथ मान लीजिए यहाँ पे आ रही है, ये लेंथ आ रही है, ठीक है, ऐसे लेंथ आ रही है आपकी, तो क्या ये एग्जैक्ट है, सोचिए आप जरा, अगर यहाँ पे आ जाए इस जगह, ये लीजिए यहां पे आ गई, तो क्या हम इसको 12 सेंटीमीटर मानेंगे, या फिर नीचे वाली लाइन के बराबर आ रही है तो हम इसको मानेंगे, या फिर इसके बिल्कुल ऊपर आ रही है, इसके बराबर आ रही है तो हम इसको मानेंगे, सोचने वाली बात है ये,
मतलब जब हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, उस केस में हम उस मेजरमेंट की जब एग्जैक्टली अगर पोजीशन देखेंगे, उसको जूम करके देखेंगे, तो उस मेजरमेंट में हल्का सा ऊपर नीचे डिफरेंस हमें जरूर मिलता है। अब अगर इसी केस को हम, ये देखिए यहाँ पे हमने तो सोचा था कि अब तो 12 सेंटीमीटर ही, अगर इसको छोटा करके देखें हम लोग, जैसे हम इसको ओरिजिनल साइज में ला के देखें, तो ये 12 यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 12, और ये आपका मार्कर जो है, ये आपको लग रहा है कि ये 12 सेंटीमीटर का ही है। इस केस में आपको 12 सेंटीमीटर का ही लग रहा है, सेम ही स्केल है। स्केल कौन सी है, ये वाली है हमारे पास, सेम ही स्केल है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको जूम करके देखा, लेंस से, कॉन्वेक्स लेंस लगा के इसको जूम करके देखा, और या फिर माइक्रोस्कोप से इसको जूम करके देखा, तो उस केस में मेरे को लग रहा है कि ये तो सिचुएशन इस तरीके से हो गई। अब मैं इसको इस पॉइंट के बराबर मानूं, या इसके बराबर मानूं, या इसके बराबर मानूं, तो आपको साफ नजर आ रहा है कि एरर तो इसमें आएगा ही आएगा। मतलब क्या है, हम जाएं, हम इसको मेजर करते जाएं और जूम करते जाएं, और बहुत ज़्यादा प्रीसीजन के लिए मोलिकुलर स्टेज तक चले जाएं या एटॉमिक स्टेज तक चले जाएं, जूम कर करके कर करके, तो उस केस में भी हमारा जो मेजरमेंट है उसके अंदर इतनी सी भी गुंजाइश नहीं है कि वो एग्जैक्ट रिप्रेजेंट हो सके। उसमें थोड़ा बहुत तो अनसर्टेनिटी हमें नज़र आएगी ही, और वो रहेगी उसके साथ, ठीक है। ये वाली चीज़ मैं आपको इसमें समझा रहा था। अब देखिए हम एक और चीज़ लेते हैं, जैसे मैं आपको और समझाता हूँ इसको, थोड़ा और समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि हमने एक और किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेज़र किया, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेज़र किया, और वो लेंथ जो है वो हमारे पास आ रही है 14.2। कितनी आ रही है, 14.2 सेंटीमीटर इतनी आ रही है, ठीक है। और जब हमने एक्चुअल में देखा थोड़ा जूम करके, तो हमारे पास जो लेंथ है उसको इस तरीके से डिनोट किया गया है, 14.2 और 14.3, ये हमारे पास डिजिट है। और इन दोनों के बीच के जो गैप है, इस गैप को हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ऐसे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक। अब हमने उस ऑब्जेक्ट को मेजर किया, तो उसकी जो लेंथ है वो इतनी दिखा रहा है, यहां तक ऐसे दिखा रहा है, सपोज कीजिए आप, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, तो हम लोग इसको 14.2 तो ये है ही, और ऊपर ये 4 इसके ग्रेजुएशन आ रहे हैं, इसको 4 भी लिख दिया, ठीक। लेकिन ये एक सेंटीमीटर स्केल है, और इस सेंटीमीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1 सेंटीमीटर। कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। तो ये जो लीस्ट काउंट दिया हुआ है, ये लीस्ट काउंट जो है ये डेसिमल के बाद एक डिजिट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, डेसिमल के बाद एक सिंगल डिजिट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए अगर हमने ये 4 अपनी तरफ से यहां पे ऐड कर दिया है, ठीक है, एक ज्यादा प्रीसीजन दिखाने के लिए, तो ये गलत होता है, इसको हम यहां रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 14.2 ही होगी, और 14.2 जो है आपको दिखाई दे रहा है कि उससे थोड़ा ज्यादा है ये, और 14.3 से कम है। तो इस केस में हम इसको दिखा सकते हैं कि 14.2 जो है वो ग्रेटर देन है किससे, सॉरी लेस देन है किससे, 14.3 से, और ग्रेटर देन है किससे, 14.1 से। इसके बीच में वेरी कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी वैल्यू आई है 14.2 वो या तो थोड़ी ज्यादा होगी 14.2 से, या फिर, और या फिर क्या होगी, 14.2 से थोड़ी कम हो सकती है। समझ में आ रही है बात, या तो 14.2 से थोड़ी ज्यादा हो सकती है, या फिर 14.2 से थोड़ी कम हो सकती है। इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। लेकिन इस केस में मैं आपको एक बात बताता हूं कि स्केल के ऊपर जो मेजरमेंट हमें दिया हुआ है उसी मेजरमेंट को हम लोग यहां पे कंसीडर कर सकते हैं। अपनी तरफ से कुछ भी उसमें ऐड करेंगे तो वो एक तरीके से गलत प्रोसेस होगा, उसको हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो स्केल है उसके ऊपर जो डिजिट दिखाई गई है वो डिजिट जो है वो इसी फॉर्मेट में है, 0.1 के लीस्ट काउंट के फॉर्मेट में है। तो 14.1, 14.2, 14.3, तो सब में 0.1 का डिफरेंस है। तो जो मेजरमेंट हम लेंगे वो या तो 14.3 लेंगे, या फिर 14.2 लेंगे, या फिर 14.1 लेंगे।
हम उनके बीच का मेजरमेंट जो है वो शो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो स्केल है वो इस चीज़ के लिए हमें अलाउ नहीं करती है। ये चीज़ हम इससे समझ सकते हैं। अब अगर इसी सिनेरियो को हम लोग थोड़ा और समझें तो इससे हमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि अगर कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट में जो एरर आएगा, मेजरमेंट में तो एरर आना डेफिनेटली है, श्योर है, सर्टेन है, ठीक है। सर्टेन क्या है कि मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी होती है, ये सर्टेन है। तो उसमें जो भी एरर आएगा वो उस स्केल के लीस्ट काउंट के बराबर ही एरर हम लोग काउंट करेंगे उसमें, ठीक है। अगर उसका लिस्ट काउंट ज़्यादा है तो उसके लिस्ट काउंट का जो एरर है वो भी ज़्यादा होगा, और लिस्ट काउंट कम है तो एरर भी कम ही दिखाएगा। इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लिए, देखिए इस तरीके से, और किसी दो चार जो ऑब्जेक्ट हैं उनकी लेंथ को हमने मेजर किया। जैसे सपोज कीजिए कि एक तरफ तो हमारे पास में कोई डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है, कोई डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास में जिसका लिस्ट काउंट है, लिस्ट काउंट है 0.0001 सेंटीमीटर, इतना लिस्ट काउंट है उसका, ठीक है। ज़्यादा हो गया तो एक कम कर दीजिए, इतना मान लीजिए, इतना लिस्ट काउंट है। एक ये हमारे पास में सिंपल सा स्केल है जिसको हम हमेशा यूज में लेते रहते हैं, इसका जो लिस्ट काउंट है, इसका लिस्ट काउंट हमने ले लिया है यहाँ पे 0.1 सेंटीमीटर, ले क्या लिया हो, इसका होता ही है लिस्ट काउंट इतना, ठीक। अब हमने क्या किया, किसी ऑब्जेक्ट को मेजर किया, जैसे थोड़ी देर पहले हमने मार्कर को मेजर किया था तो मार्कर की जो लेंथ आई थी वो आई थी 12.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसी मार्कर को हमने देखो यहां पे 0.1 दैट मींस डेसिमल के बाद में वन डिजिट, डेसिमल के बाद वन डिजिट तक ही यहां पे मेजरमेंट को शो किया जा रहा है। अब इसी मार्कर को हमने इस डिजिटल जो हमारा लेंथ मेजर करने की जो मशीन है, ठीक है, उससे अगर हम इसको मेजर करते हैं तो हमारी लेंथ आती है, जैसे उसको मैं लिख देता हूं यहां पे 12.212, दैट मींस थ्री डिजिट, डेसिमल के बाद में थ्री डिजिट तक ये प्रिसाइज करता है। तो यहां पे भी देखिए थ्री डिजिट, मतलब इसका जो लिस्ट काउंट है वो थ्री डिजिट तक इसको प्रिसाइज कर रहा है, तो यहां पर भी थ्री डिजिट तक इसको प्रिसाइज किया। इसी तरीके से अनदर कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ को हमने दिखा 14.2 सेंटीमीटर, ऐसे दिखा दिया, ठीक है। अब इस 14.2 सेंटीमीटर को अगर हम इसी वाली स्केल से मेजर करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 14.239, ऐसे आ गया, मान लीजिए सपोज कीजिए सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से हम आगे चलते गए और काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स को हमने मेजर किया, और एक इंस्ट्रूमेंट कॉन्सिडेंसली ऐसा हुआ कि एक इंस्ट्रूमेंट की हमने लेंथ मेजर की तो इसमें आई 14.0 सेंटीमीटर और इसमें आई 14.000 सेंटीमीटर। तो उस केस में ये इन दोनों की जो वैल्यू है वो सेम आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही, दोनों की वैल्यू जो है वो सेम आ रही है। लेकिन अगर इस वैल्यू को 14.0 और 14.00, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि ये जीरो जो है ये हम यहां से गायब कर सकते हैं, तो उस केस में अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे कि लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू 14.000 सेंटीमीटर, तो हमें जो भी रीडिंग देखने वाला कैंडिडेट होगा, जो भी रीड करने वाला होगा जिसको हम रिपोर्ट दे रहे हैं लेंथ को मेजर करके, वो ये सोचेगा कि इसके आगे पॉइंट के आगे तीन डेसिमल के आगे तीन जो डिजिट हैं उनको शो किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर किया गया था वो हाई प्रीसीजन वाली, क्या थी, हाई प्रीसीजन वाली इंस्ट्रूमेंट थी, और वो इसमें कंफ्यूज हो सकता है, जबकि हमारी लेंथ तो इससे भी इतनी आई थी, दोनों की सेम ही आई थी, कोइंसिडेंटली मान लो या कैसे भी मान लो दोनों की सेम आ रही थी, ठीक है। तो इस केस में ये जो डिजिट हमने लगाए हैं डेसिमल के बाद, ये डिजिट ये चीज डिसाइड करते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट लिया गया है वो कितना प्रीसाइज है, ठीक है। इस चीज को हमें यहां पे ध्यान में रखना पड़ेगा। अब बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट के लिए जो उसका प्रीसीजन होता है वो ज्यादा होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट जो है वो बहुत कम होता है, इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट काउंट इसका कम है इसलिए ये इंस्ट्रूमेंट बेहतरीन तरीके की रीडिंग दे रहा है, और हम जब ऐसी किसी भी रीडिंग को रीड करते हैं तो हमारे दिमाग में ये समझ में आ जाता है कि ये जो मेजरमेंट लिया गया है ये किसी बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट से लिया गया है जिसका प्रीसीजन ज़्यादा था और उसका लिस्ट काउंट बहुत ही कम था, इस वजह से हम
कंफ्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि ये वाली डिजिट भी हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दें तो ये कंफ्यूजन हमारे बीच में क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ये बात क्लियर हो गई है हमारी कि हमें अपनी मर्जी से कोई भी जीरो एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। जैसे यहाँ पे भी 14 सेंटीमीटर थी और यहाँ 14.000 सेंटीमीटर थी, तो इस 14.0 सेंटीमीटर को अगर हम लोग 14.000 सेंटीमीटर लिख देंगे तो वैल्यू मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन रीडर जो है, जो रीडिंग कर रहा है या फिर जो उसको रीड कर रहा है, जिसको हमने रिपोर्ट किया है, उसके मन में एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि जो वैल्यू है वो बेहतरीन ऑपरेटर से ली गई है। अब सामान्य जो स्केल होती है, नॉर्मल जनरली जो स्केल हम यूज करते हैं, जिसको ये वाली स्केल है, इसकी जो मेजरमेंट होती है उसके लीस्ट काउंट के इक्विवेलेंट ही उसके अंदर हम डेसिमल के बाद में क्या लगाएंगे, डिजिट्स लगाएंगे। तो लीस्ट काउंट किस लिए डिपेंड करता है इस चीज़ के ऊपर, ये बात मैंने आपको यहाँ पे समझाई है। अब हम एक वेट मेजर करने का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे हमारे पास में एक नॉर्मल तराजू है, तराजू तो समझते होंगे आप, तुला है हमारे पास में, ठीक है। अब देखो इसमें जैसे हमने कोई वेट डाल दिया इस तरीके से, ये हमारे पास में एक देसी तराजू है जो हम लोग बहुत देखते थे पहले, आजकल भी देखते हैं, बहुत बार देखने का चांस मिलता है इस तरीके से, ठीक है। इसके इसको मेजरमेंट के लिए हमारे पास 1-1 केजी के काउंटर वेट हैं। काउंटर वेट का मतलब एक एक किलो की बाट है हमारे पास, 1 केजी का है, फिर एक और 1 केजी का है, फिर एक और 1 केजी का है, फिर एक और 1 केजी का है, इस तरीके से 1-1 केजी के काउंटर वेट्स हमारे पास में है, ठीक है। तो हमने क्या किया, कुछ एप्पल्स को, कुछ फ्रूट्स मान लीजिए, कोई भी चीज़ है, उसको मेजर करना शुरू किया। तो सबसे पहले हम क्या डालेंगे यहाँ पे, 1 केजी वो का काउंटर वेट, एक 1 केजी का बाट यहाँ पे रख दिया हमने, ठीक है, और उसको मेजर करके देख लिया। यहाँ पे कांटा लगा हुआ है, इंडिकेटर, ये हमें बता देगा कि वो इक्विवेलेंट हुआ या नहीं हुआ। इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ मेजरमेंट किए, ठीक है। अब देखो 1 केजी के लिए एक बाट रख दिया, 2 केजी के लिए एक और रख दिया, 3 केजी के लिए एक और रख दिया, 4 केजी के लिए एक और रख दिया, इस तरीके से रखते गए। अब दूसरी साइड में हमने एक डिजिटल आपने देखा होगा, आजकल तो डिजिटल ही चले हुए हैं, उसमें कुछ नंबरिंग होती है यहाँ पे, और ये एक इस तरीके से डिजिटल तुला होता है हमारा, ऐसे होता है, ये लीजिए ऐसे, ठीक है। इसमें हमारा वेट जो है वो दिखाई देता है हमें वेट, ठीक है। इस डिजिटल से भी हमने उसी को मेजर किया, जैसे ये एप्पल हमने मेजर की यहाँ पे, ठीक है, तो 1 केजी, तो 1 केजी आया, ठीक है। अब इसी एप्पल को उठा के इसके ऊपर रखा तो इसका वेट एग्जैक्टली ये तो डिजिट में बताएगा, डिजिटल है, डिजिटल अगर ये हमारा है तो ये तो इसका जो प्री सीजन है वो बहुत हाई है, और इसका लीस्ट काउंट कितना है, इसका लीस्ट काउंट तो 1 केजी है, और इसका लीस्ट काउंट तो बहुत ही कम मिलेगा हमें, तो ये और भी ज़्यादा प्री साइज वैल्यू हमें देगा यहाँ पे। वो क्या हो सकती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लें, तो जैसे हमने यहाँ पे इसको मेजर किया तो हमारे पास में 1 केजी को मेजर किया, तो उस केस में मान लीजिए कि इससे जब उसको मेजर किया 1 केजी एप्पल्स को, तो हमारे पास में वैल्यू आई 1.01 केजी इतनी आई, ठीक है। 2 केजी को किया तो हमारे पास में वैल्यू आई 2.056 केजी इतनी आई, इस तरीके से ऐसे ही हम करते गए और 5 केजी तक पहुंच गए, और 5 केजी में यहाँ भी 5 केजी आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारे एप्पल्स रख दिए हमने और यहाँ पे 5 काउंटर वेट रख दिए इस तरीके से, तो हमारे पास में वेट आया इस साइड में 5 केजी, और जब हमने उन सारे एप्पल्स को इसके ऊपर रखा तो भी हमारे पास में वेट आया 5 केजी, दोनों में एग्जैक्टली आ गया 5 केजी को, यहाँ पे हमने दिखा दिया 5.000 केजी, ऐसे दिखा दिया, ठीक है। अब इस लास्ट वाले एग्जाम्पल को हम कंसिडर करते हैं, देखिए क्या करना है अब हमें। अब देखिए जो लास्ट में जो हमने एग्जाम्पल लिया है 5 केजी वाला, उसकी अगर हम यूनिट चेंज कर दें, क्या कर दें, यूनिट चेंज कर दें, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये 5000 ग्राम, और ये ऑलरेडी ग्राम में दे रहा हो रिपोर्ट आपको, तो ये भी 5000 ग्राम आ गया। अब इस केस में देखिए दोनों जो
आपका इसमें लीस्ट काउंट 1 kg था और इसमें लीस्ट काउंट तो बहुत छोटा है, तो उस केस में अगर इन दोनों वैल्यूज को देखें हम लोग यूनिट चेंज करने के बाद में, तो हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है। हमें कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि ये वाले जो एप्पल्स हैं हो सकता है किसी हाई प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से इनको मेज़र किया गया हो, इनके वेट को मेज़र किया गया हो। इस तरीके से हम इनको पढ़ेंगे तब हमें पता लगता है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है ये, बिल्कुल एग्जैक्ट, और वो भी फिगर में, जैसे 5.500000 ग्राम इस तरीके से, ठीक है। तो ये प्री सीजन और लिस्ट काउंट के लिए हमारा एक एग्जाम्पल हो गया है। तो रीडिंग लेने वाला जो कैंडिडेट है उसको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हमने कुछ रूल्स बनाए। कन्फ्यूजन किस टाइप का, कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ली गई थी, या उस जिस इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ली गई थी उसका लिस्ट काउंट कितना था और वो कितनी प्रीसाइज इंस्ट्रूमेंट थी। इस चीज़ का जो पर्सन रीडिंग ले रहा है उसको कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए हमने कुछ रूल्स बनाए। और हमने ये तय किया उसके अंदर प्रीसीजन को कंसीडर करते हुए कि सिग्निफिकेंट जो फिगर होते हैं वो मेजरमेंट में यूज लिए जाते हैं, और मेजरमेंट में जो यूज लिए जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे इसके अंदर ये सब सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात हो रही थी अभी, जैसे ये जीरोज हम लगा रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे भी हम जीरोज लगा रहे हैं, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट की प्रीसीजन और उसके लिस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इन सब बातों को समझने के लिए हम कुछ रूल्स बनाएंगे और उन रूल्स को बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर को समझने वाले जो रूल्स हैं, कि कौन सा फिगर सिग्निफिकेंट होगा और कौन सा फिगर सिग्निफिकेंट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी डिजिट ऐसी होती हैं जिसमें कुछ डिजिट्स को हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्हीं डिजिट को, उन्हीं सेम डिजिट्स को अगर किसी अदर किसी क्वांटिटी से हम लोग किसी मेजरमेंट से अगर हटा दें तो उसमें काफ़ी सारा चेंज आ जाता है। किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट से ली गई है और किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट से हम उसको प्रिसाइज कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमने कुछ रूल्स बनाए जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको उन रूल्स के बारे में भी बताएंगे और हर रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको बताएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।